खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करने वाले एक महत्वपूर्ण अवसर पर युवा मामले और खेल तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय में एक अत्याधुनिक एस्ट्रो टर्फ का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ सुविधा विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने और खेल उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जब मंत्री ने नए एस्ट्रो टर्फ का औपचारिक पहला शॉट लिया तो जालंधर का खेल समुदाय और बीएसएफ जवान खुशी से झूम उठे, जिससे इस क्षेत्र में खेलों के लिए एक रोमांचक युग की शुरुआत हुई। इसके बाद हुए मैत्रीपूर्ण मैच में बीएसएफ एथलीटों के कौशल और सौहार्द का प्रदर्शन हुआ, जो जालंधर के खेल प्रतिभा पूल के भीतर मौजूद अपार संभावनाओं को दर्शाता है। एस्ट्रोटर्फ जो लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्धारित समय से पहले पूरा हुआ, सरकार द्वारा खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन का एक प्रमाण है। खेल मंत्रालय के द्वारा सीमा सुरक्षा बल के खिलाड़ियों के लिए यहां पर 5.5 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण करके आज उसका उद्घाटन किया गया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, ये बीएसएफ के खिलाड़ियों के लिए और अन्य खिलाड़ियों के लिए जालंधर में बनी, जालंधर जो खेल सामग्री के निर्माण के लिए जाना जाता है खिलाड़ियों के लिए और हॉकी के खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है सीमा सुरक्षा बल जहां पर भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखती है, वहीं पर बहुत सारे खिलाड़ियों को भी देश के लिए खेलने के लिए प्रेरित भी करती, सुविधाएँ भी देती है। और इस हॉकी की एस्ट्रोटर्फ के कारण हम भविष्य के उभरते हुए खिलाड़ी इस मैदान से और बीएसएफ से देख पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।